हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि हरियाणा पीजीटी शिक्षक भर्ती आ चुकी है 2024 की, और इसमें कुल 3000 पद आए हुए हैं। 3000 अगर मैं बोलूं तो 3000 प्लस पद आए हुए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो जान जाइए। सबसे पहले 47600 से सैलरी स्टार्ट होगी, 151100 प्लस अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, अगर भरते हैं तो क्या पैरामीटर रहेगा जिसके माध्यम से लोग भर पाएंगे, अगर नहीं भर पाएंगे क्यों नहीं भर पाएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। यानी सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, और यहाँ तक कि एमएससी जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं वो भी अपना क्वेश्चन यही पूछेंगे कि क्या सर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सीरियस हैं वो भरना चाहेंगे। ठीक है, एमएससी वाले हों, एमकॉम वाले हों, एमबीए वाले हों या फिर एम ए वाले हों, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपियरिंग में अगर हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, आपके क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी होगी पर पूरा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो में सारी जानकारी देना मतलब वीडियो लंबा होना तय है। इसीलिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू देखिएगा, पूरा देखने के बाद समझने के बाद ही फॉर्म को भरिएगा, वरना आपका समय तो जाएगा साथ साथ में पैसे, और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, बुद्धिमता यही है कि वीडियो को अच्छे से देखा जाए और समझा जाए, फिर फॉर्म को भरा जाए। चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग यादव, और आप तो देख ही रहे हैं नॉलेज रिव्यू क्लासेस चैनल। अगर आपका कोई डाउट होता है तो इस चैनल पर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आपका जो भी डाउट हो। ठीक है, हर एक डाउट का रिप्लाई करने का कोशिश किया जाएगा, और कोशिश करिए आप ये चीज़ें कि चीज़ों को आप पूछते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पूरा, लेकिन क्या करते हैं ना, आप लोग लाइक नहीं करते। थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो वीडियो सजेस्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिस जारी की गई है, वो भी 23 तारीख को, कि भैया आप लोग फॉर्म भर सकते हैं पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। हाँ, क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट वैकेंसी पर लेकर चलते हैं, फिर ये जो चीज़ें हैं बाद में देखा जाएगा कब फॉर्म भरना है कैसे भरना है ये बाद में। पहले वैकेंसी देखिए कौन कौन सी पोस्ट है, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कहाँ कैसे भरना है, कब अप्लाई करना है, कब फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ देख रही है हरियाणा काडर में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें जो पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2024 बायोलॉजी में टोटल पोस्ट है 233, जिसमें जनरल एससी बीसीए ये सब वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, तो मैं टोटल वैकेंसी बताता चलूंगा। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद अपने देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अच्छे से देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, और यहाँ तक देखा होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, कुल टोटल देखा जाए तो 31 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। यानी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका सब्जेक्ट इसमें मिस हुआ होगा। टोटल पोस्ट कितना है वो मैं बता दूँ, 3069 पोस्ट है। ठीक है, 3069 पोस्ट है एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट 3169 पोस्ट है। अब कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है इसको भी आप देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। अगर इस टोटल पोस्ट में देखा जाए तो बायोलॉजी में कितना है, बायोलॉजी में कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज, जनरल में 128 है, एससी में 47 है, और बीसीए में 23 है, और बीसीबी में 12 है। इसी तरह आप देखते जाएंगे केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री में देखा जाए, जो लोग केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं वे, उनकी अगर मैं बात करूँ तो जनरल में 140 पोस्ट है, और एससी में 51 है, और बाकी बीसीए में 26 है। तो जनरल, क्योंकि अदर स्टेट वाले जब भी अप्लाई करेंगे तो अदर मतलब जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो सुन लीजिए। अब ये फॉर्म आएगा कब, ध्यान सुनिए। देखिए, फॉर्म का जो पब्लिकेशन था वो बता दिया 23 तारीख को हुआ था, लेकिन जो फॉर्म ओपन होगा, जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होगा, 25 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी 25 जुलाई से, 25 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, यानी कल यानी 25, आज है 24 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, और 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 14 अगस्त के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, याद रखिएगा। और ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से इस फॉर्म के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, इसका फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे हम बात करते हैं। देखिए, सबको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं है, और फॉर्म को भरने के बाद आप ये नहीं कि पोस्ट कुछ करना नहीं है, केवल ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट हो
अगर कोई डाउट होता है मान लो फॉर्म भरने में, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप इनके नंबर पर देख रहे हैं, ये टोल फ्री नंबर, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। 10 से 4 सुबह 10 से 4 कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें क्या थी। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पीजीटी का जो फंडामेंटल होता है कि ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टाइजमेंट, जितने भी पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत हो, +10 +2 पे BA MA विथ हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग, ये चीज़ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग याद रखिएगा, क्वालिफाइंग हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एस्टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो ही आप भर पाएंगे। अदर स्टेट वाले अगर आपने एस्टेट फॉर्म दिया है, फॉर्म भरे होंगे, आपने एग्ज़ाम दिया था, अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हरियाणा या स्टेट आपने दिया होगा, ठीक है ठीक है। स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट आपने दिया है तो ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी इनमें से कोई एक हो तभी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और कंसिस्ट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना, कंसिस्टेंट मतलब लगातार एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब गैपिंग वालों को ये ज़्यादातर प्रेफरेंस नहीं देंगे, इनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अगली मैं बात करूँ, इसमें दिया है ये 3 कंडीशन आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और बी कैसे कंडीशन क्या, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। अब ये वेरियस पोस्ट के लिए है। अब ये जो कंसिडर था किसके लिए था, ये जो मैं बताया हिंदी, ये सब, ये देखिए ग्रुप बी, ये द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रुप सर्विस, ये तो मैं बताया ही BA MA कैंडिडेट वालों के लिए। अब हम जो बात कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए सब्जेक्ट्स वाइज, जैसे PGT बायोलॉजी का अप्लाई कर रहे हैं तो MSc जूलॉजी होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, या फिर जियो साइंस होना चाहिए, जियो केमिस्ट्री होना चाहिए, जेनेटिक्स माइक्रो, या इनमें से कोई एक होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए याद रखिएगा। और PGT अगर आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो MSc आपकी केमिस्ट्री में हो, जनरल केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है, या फिर बायो केमिस्ट्री में हो, उस बायो कम से कम 50% होने चाहिए, साथ में आपका BEd होना चाहिए, यानी PGT में आपको BEd कंपलसरी, जितने भी लोग BEd नहीं किए हैं या फिर BEd में आपके 50% नहीं आए हैं तो भैया बड़ी दिक्कत है, क्योंकि MSc में भी 50% और BEd में भी आपके परसेंटेज अगर अच्छे बने तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं तकलीफ आपको नहीं होगी। इसी तरह PGT कॉमर्स में भी यही कंडीशन है, MCOM होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है। PGT इकोनॉमिक्स, PGT इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, ये सारी चीज़ें याद रखिए कि सबको BEd मांगा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो MA MSc का कुछ भी हो, सबको मांगा है, ये चीज़ें तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ों, तो मैंने बता दिया कैसे आपका लास्ट डेट 14 अगस्त है फॉर्म भरने का, उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो सुनिएगा, कितने नंबर का क्या आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखना चाहेंगे ना, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ याद रखिएगा। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अगर देखा जाए 3 घंटे में 150 मार्क्स होंगे, ठीक है, 3 घंटे में 150 मार्क्स के होंगे। और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो इंग्लिश ओनली, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या होगा वो बता दूँ। देखिए इंग्लिश में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और जो बायलिंगुअल होगा मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, ये सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। लैंग्वेज पेपर ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज पेपर जिस लैंग्वेज का होगा, मान लो इंग्लिश का है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी का है तो इंग्लिश में हिंदी में, संस्कृत का है संस्कृत में, या जिस सब्जेक्ट्स का लैंग्वेज होगा उसी भाषा में होगा, ठीक है। चलिए इंटरव्यू में कुछ देखिए यहाँ पर बोला गया, ये क्या बोला गया है, देखिए आपको कम से कम 35% लाना है, सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पोस्ट वाइज, ठीक है, 35% कम से कम। अब ये क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, ठीक है। वेटेज आपका सब्जेक्ट नॉलेज में 87.5% वेटेज दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट्स के नॉलेज में, बाकी इंटरव्यू या वाइवा जिसको बोला जाए 12.5% उसमें लिया जाएगा, ठीक है। जो भी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी सब्जेक्ट्स प्लस इंटरव्यू दोनों को मिक्स करके ही बनेगी। पे स्केल आपको मैंने बता ही दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस भारत वाले सुन ले, आपको कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट क्या है भाई, 18 साल से 42 साल है, ध्यान दीजिएगा 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 42 साल है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, अगर कोई हरियाणा कास्ट के भाई SC ST या फिर हरियाणा OBC है तो उनको भाई 5 साल की छूट मिलेगी, वो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं आगे, जो आपके काम की वो सुन लीजिए, मैंने तो सब्जेक्ट बता दिया। अब आप सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सब्जेक्ट्स है क्या एग्जैक्ट, आप सब्जेक्ट की पूरी सिलेबस जानना चाहेंगे तो उसके लिए कमेंट्स करिएगा, उस पर मैं नया वीडियो बना दूंगा। हालांकि इस PDF को भी आप डाउनलोड करेंगे ना, इस PDF में भी सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस PDF में सिलेबस है,
तो आप पीडीएफ में देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बना के बता दूंगा कौन सा कैसा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, आप कमेंट्स करेंगे तो। अब हम फ़ी की बात कर लेते हैं, ध्यान से रहिएगा। फ़ी आपकी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर हरियाणा के जनरल कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल कोई भी, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं सभी के लिए मैं बता दूं, या एक सर्विस मैन है, सबको 1000 रुपये देने होंगे, या दूसरे स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म को भरते हैं तो 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की और फीमेल के अदर कैटेगरी के जो है अदर स्टेट के, उन सभी को 250 रुपये दें, यानी फीमेल को काफ़ी छूट है। उसके बाद अगर दिया बात किया जाए मेल फीमेल कैंडिडेट SC ये सब जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा और EWS इकोनॉमिक, उनको भी 250, बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ी नहीं है, ठीक। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद फॉर्म आपका क्या नाम है वापस नहीं होगा, अगर आपने टेस्ट देने नहीं गया तो सोचा कि फॉर्म वापस फ़ी वापस हो जाए, नहीं होगा, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बता दिया, अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। हाँ, आप कहेंगे कि सर सिलेबस, सिलेबस ऑब्वियस सी बात है, आपको सिलेबस इसी में देखने को मिल जाएगा। बहुत देखिए ये सब देख रहे हैं, ये सिलेबस है आपके सामने, ये पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है, तो इस सिलेबस को आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, होम साइंस का सिलेबस, इसी तरह सब सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। जो सिलेबस चाहिए आप PDF डाउनलोड करिए, PDF को डाउनलोड करने के बाद इसमें से देख लीजिए। ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे बताना था, बाकी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आप जानकार है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, हम आपको गाइडेंस करने के लिए रेडी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिए, और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। धन्यवाद।